का मामला सामने आया है धौलपुर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने अब इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले में संज्ञान लिया है, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं धौलपुर से। धौलपुर पुलिस एसपी से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी धौलपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या का ये पूरा मामला जिसमें बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने अब इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले में संज्ञान लिया है, बड़ी खबर धौलपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। धौलपुर पुलिस एसपी से इस मामले की जांच रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है। दरअसल धौलपुर से ये बड़ी जानकारी, गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले को लेकर अब बाल संरक्षण विभाग की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले में संज्ञान लेते हुए धौलपुर पुलिस एसपी से इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी जानकारी धौलपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल गैंगरेप पीड़िता की तरफ से आत्महत्या कर ली गई थी और अब इस मामले को लेकर बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया है और उन्होंने इस मामले में पुलिस से जांच रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने इस मामले में संज्ञान लिया और धौलपुर पुलिस एसपी से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या का ये पूरा मामला है और अब इस मामले में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष की तरफ से संज्ञान लिया गया है। हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो मामला था, रेप पीड़िता की तरफ से आत्महत्या की गई है, क्या कार्रवाई आपने इस मामले में की है? जी, तुरंत प्रभाव से जैसे ही संज्ञान में मामला आया तो वहाँ के एसपी को पत्र के माध्यम से ये जांच रिपोर्ट मंगवाई है, पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मांगी है कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं। और साथ ही वहाँ पे बाल कल्याण समिति जो है उनको मैंने टेलीफोन पर बातचीत कर तुरंत प्रभाव से मौके पर जाने की बात कही और वहाँ पे पहुँच कर मौका रिपोर्ट देने की और सभी जो भी वहाँ पे तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट वगैरह है वो सब भेजने की बात कही है। लेकिन तो जिस तरह से इस तरह के मामले लगातार संगीता जी बढ़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है पुलिस अधिकारियों को भी? नहीं तो आप तक मामला पहुंचे ही ना अगर साथ ही इस मामले को लेकर लापरवाही ना बरती जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। जी, इसमें बिल्कुल भी किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसमें तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर और कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कहीं पे भी कोई देरी की गुंजाइश रखी गई है और किसी में कोई लापरवाही भी बरती गई है तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। बिल्कुल, और गंभीरता से लेने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में देखने के लिए मिल भी रही हैं। कहां आपको लापरवाही नजर आ रही है इस मामले में? यदि किसी भी विभाग के द्वारा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, किसी की भी कोई लापरवाही यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई बालिका को लेकर और जांच रिपोर्ट को लेकर, और तो फिर उसको लेकर के तुरंत प्रभाव से बाल आयोग उस लापरवाही के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के लिए आगे अनुशंसा करेगा। बिल्कुल, और देखिए ना, कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जिस तरह से गैंगरेप के मामले लगातार राजस्थान से सामने आ रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है, अलग अलग जगह से इसी